हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ सीएलसी सीकर। सो आज हम लोग अपना जो मेजर टेस्ट हुआ था संडे को, उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 2x माइनस कॉस एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको जब भी कोई इनवर्स वाला क्वेश्चन आता है और अगर आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू पाई कौन से पॉइंट पे होगी, ठीक है। और वो पॉइंट मिलता है हमें हीट एंड ट्रायल से। तो खास करके देखिए, जैसे ये वाली टर्म दे रखी है तो ऐसी टर्म तो आपके पास में लगभग जीरो ही होनी चाहिए, ऐसा लगता है देख के। तो ट्राई करते हैं, ये जीरो होगा जब एक्स बराबर पाई पाई टू पुट करेंगे। तो ये देखिए पाई पाई टू पर जीरो हो जाएगा, ये टू इंटू पाई पाई टू पाई हो जाएगा, और ये पाई पाई टू पर ये भी जीरो आ जाएगा, तो पाई आ जाएगा। इसका मतलब हमारा हीट एंड ट्रायल पहली बार में ही क्लिक कर गया एक्स बराबर पाई पाई टू, ठीक है। और ज़्यादातर मतलब इसको देख के हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ पर ये हमारा होगा। अब देखिए हमें इसको क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एफ इनवर्स एक्स का एट एक्स इक्वल टू पाई। फंक्शन हमारे पास में है नहीं तो हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी इनवर्स की, कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स जो होता है हमारे पास में वो कितना होता है, वो एक्स होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डेस एक्स बराबर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन तो आपसे पूछा है कौन से पॉइंट पे, पाई पे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए, मीन्स एफ इनवर्स पाई, ठीक है। और इसका डेस, इसका मतलब क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, ये पूछा है आपसे। और ये किसके बराबर होगा, जब ये पाई होगा, और एफ एक्स आपका पाई कब आएगा, जब एक्स पाई पाई टू पुट करेंगे, मीन्स वन अपॉन एफ डैश ऑफ पाई पाई टू। तो अब हमारा जो मोटिव है वो क्या हो गया, एफ डैश ऑफ पाई पाई टू निकालना। उसको हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये फंक्शन दिया गया है। तो इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ रहा है। तो यहाँ से हमें मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर थ्री टाइम टू एक्स माइनस पाई, और साथ में आएगा टू, इसी के साथ में आएगा हमारे सामने प्लस टू, और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस साइन एक्स। इसमें एक्स बराबर पाई पाई टू पुट करते हैं, यहाँ पर एक टू भी आएगा, तो पहली टर्म तो जीरो हो जाएगी, प्लस टू, और ये पाई पाई टू पे वन आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। सो एफ डेस ऑफ पाई पाई टू की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, तीन आ गई, और ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज वन अपॉन थ्री। और ऐसा मेरा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर होगा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर टू हमारा। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए हमें दे रखा है ये इंटीग्रेशन करना है। चलिए करते हैं, इंटीग्रेशन में तो हम वैसे भी मायर है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए रूट के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ प्रजेंट है और इसमें भी प्रजेंट है, तो इसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा बच्चों एक्स डी एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट तो रहेगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर टू को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला हम लोगों ने। अब देखिए बच्चों पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर, यहाँ पर बचेगा वन, इसमें से वन प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, उसमें से पावर टू बाई टू बाहर आ गई, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे पावर वन बाई टू मीन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन, जिसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। कैसे करेंगे, देखिए ये टर्म बहुत खतरनाक दिखाई दे रही है, तो इस खतरनाक टर्म को सिंपल बनाते हैं, इसको पुट कर लेते हैं वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इसको मान लेते हैं टी स्क्वायर। तो देखिए ये खतरनाक टर्म कैसे सिंपल बनती है, इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में तो यहाँ आ जाएगा जीरो प्लस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएशन होगा वन अपॉन टू टाइम वन प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या रहेगा आपके सामने, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज टू एक्स, और इंटू डी एक्स बराबर टू टी डी टी, कितना आ गया बच्चों चेक कीजिए। यहाँ से देखिए टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स डी एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका टू टी डी टी के बराबर। तो देखिए बच्चों ये क्या बन गया, एक्स डी एक्स अपॉन रूट ओवर दिस तो बन गया टू टी डी टी, और इसको माना था हमने वन प्लस दिस को टी स्क्वायर, तो इसका रूट फाइंड आउट करोगे तो ये भी टी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, टी से टी कट गया, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, सो टू टी प्लस सी,
सी की वैल्यू वापस पुट कर दो बच्चों, सी की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो आएगा टू टाइम टी, सी की नहीं टी की वैल्यू, टी कितना है हमने टी स्क्वायर ये माना था, तो यहाँ से टी आ जाएगा इसका रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस आंसर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमने ऑप्शंस के ऊपर यहाँ पर कुछ लिख दिया है तो अभी हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। टू टाइम रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस सी, ये हमारा क्या होगा सही आंसर। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन है बच्चों आपका दूसरा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये आपके आंसर के बराबर है, ठीक है ना, ऐसा ही आया था। देखो ध्यान से हमारा आंसर टू टाइम रूट ओवर वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमारा फेवरेट चैप्टर, बच्चों का बहुत फेवरेट चैप्टर होता है ये। क्या है देखिए, थ्री साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन स्क्वायर बी बराबर वन, देखिए थ्री साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर बी, क्या होता है बच्चों कॉस टू बी, इसमें भी फॉर्मूला लगा दो, दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस टू बी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा थ्री टाइम टू साइन स्क्वायर ए बराबर टू कॉस टू बी, इसको लिख दिया बच्चों वन थ्री माइनस थ्री साइन थ्री कॉस टू ए बराबर टू कॉस टू बी। एक इक्वेशन ये हो रही है आपकी, एक इक्वेशन दे रखी है आपको ये, इसको राइट हैंड साइड में ले आओ टू साइन टू बी को, और दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, देखिए कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर होगा बच्चों नाइन, इसका स्क्वायर होगा नाइन कॉस स्क्वायर टू ए, टू ए माइनस 18 इंटू नाइन इंटू टू एटीन इंटू कॉस टू ए, ये तो इसका स्क्वायर आएगा प्लस इसका स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर टू ए बराबर में कितना आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर टू बी, 4 साइन स्क्वायर टू बी प्लस इसका स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर टू बी, कितना आ गया बच्चों ध्यान से देखो 9 प्लस 9 कॉस स्क्वायर टू ए माइनस 18 कॉस टू ए प्लस 9 दिस, देखो ये दोनों ने भाईचारा कर लिया क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, फॉर्मूला लग गया 9 कॉमन आ गया 9 प्लस 9 18, सो 18 इधर आ गया, इधर 4 आएगा क्योंकि इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी, 4 को ले आए इधर तो 18 माइनस 4 बराबर 18 कॉस 2a, तो यहाँ से देखिए बच्चों कॉस 2a का मान आ गया हमारे पास, ठीक है, और एक का मान आ गया तो हम सबको निपट लेंगे। अब कॉस 2a कितना आ गया 14 बाई 18 दैट इज 7 बाई 9, इसको याद रखिए, मैं मिटा रहा हूँ जितना काम हमने किया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, cos 2a का मान आ गया 7 बाई 9, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए हमारा cos 2a आ चुका है कितना 7 बाई 9, cos 2a का मान आ गया 7 बाई 9, देखिए बाकी सारी वैल्यूज निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लगाया किसका 2 cos स्क्वायर a का, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 तो इधर आगे जाएगा माइनस 1 प्लस 7 बाई 9, तो यहाँ से cos a का मान कितना आया बच्चों देखो ध्यान से 9 प्लस 7 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 8 बाई 9 2 रूट 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। cos a अगर ये है तो sin a का मान कितना आएगा बच्चों, sin a आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, क्यों 1 अपॉन 3, रूट 3 नहीं 1 अपॉन 3, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऊपर 8 आ रहा है उसका स्क्वायर, तो इधर से 1 हो रहेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया sin a cos a, हमें sin b और cos b भी चाहिए होगा, देखिए sin a आ चुका है तो यहाँ से निकालते हैं sin b, इसमें पुट कर दीजिए 3 इंटू साइन स्क्वायर ए 3 बटे 9 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर बी बराबर 1, कितना आ रहा है बच्चों 2 साइन स्क्वायर बी आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 बाई 3 दैट इज 2 बाई 3, तो यहाँ से साइन बी का मान आ गया बच्चों कितना आया 1 बाई रूट 3, साइन बी आ गया 1 बाई रूट 3, तो कॉस बी निकाल सकते हैं कितना होगा रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3, क्योंकि अगेन दोनों का स्क्वायर का सम कितना होना है 1 होना है। अब लगाते हैं फॉर्मूला, हमें चाहिए a प्लस 2b, हमें सारे डेटा मिल गए हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए साइन या कोस का, मैं लगा रहा हूँ साइन a प्लस 2b का, देखिए बच्चों कितना आएगा साइन a, साइन a कितना है हमारे पास 1 बाई 3 इंटू साइन a कॉस 2b, कॉस b का मान आ गया तो कॉस 2b भी आ जाएगा, कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर b
टू इंटू टू बाई थ्री माइनस वन, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, साइन ए कॉस टू बी प्लस कॉस ए, कॉस ए कितना है बच्चों, टू रूट टू बाई थ्री इंटू साइन बी, साइन बी का मान कितना आ रहा है बच्चों, वन बाई रूट थ्री, यही आ रहा है, एक बार चेक कर लें। साइन टू भी आ रहा है, सॉरी देखिए साइन टू भी आएगा यहाँ पर, ये तो साइन बी आएगा, इसके साथ में टू आएगा और साथ में कॉस भी आएगा, दैट इज रूट टू बाई रूट थ्री। अब ये पूरा हुआ है, अब चेक करिए कितना आ रहा है, फोर बाई थ्री माइनस वन इज वन बाई थ्री प्लस वन, दैट इज वन बाई नाइन, वन बाई नाइन प्लस यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, कैल देखिए इसका क्या है, यहाँ पर आएगा टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, डिवाइड बाई तीन इंटू तीन नौ, वन प्लस नाइन, वन प्लस एट, नाइन अपॉन नाइन वन। देखिए साइन ए प्लस टू बी का मान वन आ रहा है, और ऐसा कब होगा बच्चों, जब ए प्लस टू बी हमारा कैसा होगा 90 डिग्री, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, ठीक है बच्चों, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री हो चुका है, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर आपको ट्रिपल आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ए बी सी के, देखिए टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी बटे छः बराबर के, तो इसका मान कितना आ जाएगा, सिक्स के आ जाएगा, इक्वेशन नंबर वन। तो वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ए माइनस बी, बी प्लस टू सी, साथ में थ्री ए माइनस सी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की तरह ब्रेक करके, देखिए क्या आएगा, पहली बार इसको ब्रेक किया ए, ये सारा डेटा एज इट इज, बी प्लस टू सी, यहाँ से थ्री ए माइनस सी, और साथ में कितना आएगा बच्चों, प्लस माइनस बी, और यहाँ से कितना आएगा, बी प्लस टू सी, और यहाँ से कितना आएगा, थ्री ए माइनस सी, थ्री ए माइनस सी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर से ब्रेक करेंगे इसको दो पार्ट में, तो देखिए इस बार जब इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, एक बार b और एक बार 2c, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आएगा a, यहाँ पर आएगा b, और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 3a माइनस सी, प्लस इसको ब्रेक किया वापस, वापस ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा a, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2c, और 2c के साथ में कितना आएगा, 3a माइनस सी। ये तो हमने सिर्फ पहले पार्ट को ब्रेक किया है, ऐसे ही दूसरे वाले को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। देखिए बच्चों क्या आएगा, माइनस बी, बी, और साथ में कितना आ जाएगा, 3a माइनस सी, इसी के साथ और कितने, कौन सी टर्म आएगी बच्चों, प्लस माइनस बी, यहाँ पर आएगा बच्चों 2c, और यहाँ पर आएगा 3a माइनस सी। अब की बार थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, क्यों, क्योंकि अब की बार बहुत सारी टर्म्स जीरो होने वाली है, और जो जीरो होगी उसको नहीं लिखेंगे, देखना ए बी थ्री ए, जिसमें भी दो वेक्टर सेम हो जाएंगे ना वो जीरो हो जाएगी, ए बी थ्री ए, तो पहली टर्म क्या हो गई बच्चों, जीरो, दूसरी टर्म जीरो नहीं आएगी, एक के साथ माइनस साइन है तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ए बी और सी। डिटर्मिनेंट्स में से याद कीजिए, सिर्फ एक ही रो में से बाहर माइनस आता है, बिल्कुल डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगती है इसके अंदर, तो ये बन जाएगा ए बी सी। आगे बात करते हैं, देखो ए टू सी थ्री ए क्या हो गया, जीरो, क्योंकि दो वेक्टर क्या हो गए सेम, ए टू सी सी वापस क्या हो गया बच्चों, जीरो, आ रहा है समझ में। आगे चलिए, माइनस बी माइनस बी, ये तो यहीं पर क्या हो गया, जीरो, माइनस बी माइनस बी, इसे ये भी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि पहले ही दो वेक्टर सेम है इसमें, तो माइनस बी टू सी थ्री ए, ये जीरो नहीं होगा। देखिए माइनस बी प्लस टू सी प्लस थ्री, अगेन एक में से ही माइनस बाहर आ रहा है, और ये बन जाएगा आपका कितना, बी टू सी, और साथ में कितना बन जाएगा, थ्री ए, और अगले में माइनस बी टू सी और सी बन गया, ये भी कितना हो गया बच्चों, जीरो। तो क्या आ गया फाइनली, ऑल और ए बी सी, ए बी और सी, ये पहला पार्ट। इसमें से देखिए डिटर्मिनेंट में से कॉन्स्टेंट भी एक ही रो में से बाहर आता है, तो यहाँ से टू बाहर आ जाएगा, यहाँ से थ्री, तो ये बन जाएगा माइनस का सिक्स, साइक्लिक ऑर्डर सेम होता है, इसको चेंज कर सकते हो आप, ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर में ट्रिपल प्रायोरिटी क्या होता है, सेम रहता है। तो छः और एक कितना हो गया, सात। इसका क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो इसका ले लीजिए मॉडुलस, तो सेवन टाइम ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू कितनी है, सिक्स के, तो सेवन इंटू सिक्स के, सेवन इंटू सिक्स के कितना होता है बच्चों, 42 के,
जो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम 42 के, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा फोर्थ ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चले आगे, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आपके क्या स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से आपके पैसेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं पहला पैसेज क्या है हमारा, आइए बात करते हैं। पहले के अंदर आपको दिया है कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स सच दैट दिस विल बी ट्रू। ठीक है, ये फंक्शन आपका अगर करेक्ट है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन को निकालना है। तो देखिए बच्चों, 0 से 1 एक्स प्लस टी इंटू एफ टी डी टी, कैसे निकालते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे देखो, एफ एक्स बराबर इसको लिखेंगे हम क्या, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 0 से 1 एफ टी डी टी, ठीक है ना, 0 से 1 एफ टी डी टी प्लस 0 से 1 टी एफ टी डी टी, टी एफ टी डी टी, ठीक है, 0 से 1 एफ टी डी टी ये भी एक कांस्टेंट होगा, 0 से 1 टी एफ टी डी टी ये भी एक कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है वो ए है, और ये जो कांस्टेंट है वो कितना है मेरा, बी है। ठीक है, देखिए कितना आ रहा है, तो एफ एक्स बराबर आ गया मेरे पास कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहां से मेरे को ए और बी निकालने हैं, ए और बी जब आ जाएंगे तो मैं इनको वापस पुट करूंगा और मुझे मेरा फंक्शन मिल जाएगा। जब फंक्शन मिल जाएगा तो फिर जो भी पूछा गया है मैं उन सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन निकालना। तो कैसे निकालेंगे, 0 से 1 एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन को ए माना है, तो इसको मान लेते हैं कि 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें टी पुट कर देते हैं। तो 0 से 1 एफ टी डी टी, इसके अंदर टी पुट कर दीजिए बच्चों और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 1, तो ये हो जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ए टी मान लीजिए, एक्स को टी मान लिया हमने, तो ये डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी, लिमिट सेम रहेगी। ये मान कितना है a बराबर, इसको इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा आपका 1/3 प्लस ये आएगा a/2 प्लस इसका आंसर आएगा बच्चों b। इसका एलसीएम लीजिए, 6a बराबर आएगा आपके पास 2 + 3a प्लस 6b, कितना आएगा बच्चों, इक्वेशन देखो, 6a - 3a दैट विल बी इक्वल टू 3a। इसके अलावा उधर आपके पास में कितना है, 2 + 6b, उसको उधर ही रहने दीजिए, 6b + 2। एक बार कैलकुलेशन देख लें, हमने इसको इंटीग्रेट किया और लिमिट पुट कर दी, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे तो इधर तो आ गया a 1/3 a/2 प्लस b, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6a बराबर 2 + 3a प्लस 6b, a को इधर ले आए, 3a बराबर 6b प्लस 2, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें टी एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करना है, तो इसको टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है, तो ये बन जाएगा टी क्यू प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 1, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा इंटू डी टी। देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से आएगा टी की घात 4/4 ए 1/4 प्लस ए टी क्यू बाई 3 ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 बराबर कितना है बी के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 12b बराबर 3 प्लस 4a और प्लस 6b, आ जाएगा सब कुछ बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 4a की वैल्यू कितनी, 4a की वैल्यू अगेन 6b के बराबर आ रही है, तो एक काम करें 4a को इधर ले आए, -4a बराबर 12b को उधर ले गए, -6b, और साथ में कितना बच्चा बच्चों बचा, 4a को इधर ले आए माइनस, ये उधर चला गया -6b, और साथ में है बच्चों +3, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। एक और दो को ऐड कर दीजिए, देखिए बच्चों कितना आ रहा है, -4a + 3a इज -a, ये कट जाएगा बराबर 5, सही किया हमने, बिल्कुल सही किया, 2 + 3 = 5, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों -5। ठीक है,
एक का मान माइनस पांच आ रहा है, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है हमारे को चलेगा, हमें क्या दिक्कत है, कुछ भी आ जाए। एक की वैल्यू माइनस फाइव जब पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो देखिए बी कितना आ रहा है, माइनस पंद्रह बराबर सिक्स बी प्लस दो। ए का मान माइनस पांच ही आ रहा है, बिल्कुल माइनस पांच आ रहा है। इसको सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है यहाँ से, बी को इधर लेके आए या टू को इधर ले आए, तो बी बराबर आ गया माइनस सेवनटीन बाई सिक्स। देखिए हमने बी, ए और बी किसको माना था, यहाँ पर, तो एफ एक्स कितना आ गया बच्चों, एफ एक्स आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, और कितना आएगा, और आएगा हमारा माइनस सेवनटीन बाई सिक्स। इसकी हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और इसकी मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब x 5 बाई टू होगा, या ये कहें कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई फोर ए। तो मैं निकाल रहा हूँ एफ ऑफ 5 बाई टू से, जब x 5 बाई टू होगा इसका जो मिड पॉइंट होता है तब ये मिनिमम होता है माइनस डी बाई टू ए पे, तो ये आएगा 25 बटे चार, साथ में आएगा बच्चों माइनस 25 बाई टू, और साथ में आएगा माइनस 17 बाई सिक्स। इसका एलसीएम लीजिए बच्चों, 12 आएगा एलसीएम, 4 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 75, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6, यहाँ पर आएगा माइनस 150, और 6 आएगा 2, यहाँ से आएगा माइनस 34, तो ये आएगा बच्चों माइनस 75 माइनस 34, जो होगा माइनस कितना 109 बाई 12। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए मैं अलग कलर में कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं इसका पैसेज, इसका पैसेज का दूसरा क्वेश्चन। इसके लिए आप इस क्वाड्रेटिक को ध्यान में रखिए, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले पेज पे इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवनटीन बाई सिक्स, देखिए कितना आ रहा है, याद कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवनटीन बाई सिक्स। देखिए द एरिया बाउंडेड बाई द एक्स एक्सिस द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट एक्स इक्वल टू जीरो ऑन द कर्व वाई बराबर एफ एक्स इज। देखिए ये जो कर्व है ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, इस टाइप का होगा, इसके ऊपर कोई टेंजेंट होगी किसी पॉइंट पर। द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी जब एक्स बराबर जीरो है, मान लेते हैं कि एक्स बराबर जीरो इधर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर टेंजेंट, ठीक है, एक बार इसको फिर मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा बनाते हैं इस ग्राफ को, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवनटीन बाई सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सेवनटीन बाई सिक्स। देखिए बच्चों इसका ग्राफ ऐसा होगा, 5 बाई टू इधर आएगा तो x बराबर जीरो यहाँ पर होगा, इसकी जो टेंजेंट होगी इस पॉइंट पर वो यहाँ पे होगी, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। एरिया बाउंडेड बाई दी x एक्सिस टेंजेंट एंड दी नॉर्मल एट x इक्वल टू जीरो, ठीक है, 5 बाई टू पर ये नीचे आएगा या जहाँ पर भी रहेगा इस टाइप में कुछ बनेगा, तो हमें ये एरिया चाहिए बच्चों। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू जीरो हमें पता है, इसमें x को जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस सेवनटीन बाई सिक्स, ये है हमारा पॉइंट P, ठीक है, इससे हमें इसकी हाइट पता चल गई। अब हमें इसका बेस चाहिए, तो ये बेस हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, दोनों के अंदर y को जीरो करेंगे तो हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे एक्स वन कॉमा जीरो और एक्स टू कॉमा जीरो, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, बेस होगा। ये काम बच्चों आप लोगों को करना है, इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाई टू मॉड ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू हाइट, हाइट होगी बच्चों आपकी 17 बाई सिक्स, ठीक है, ये काम आप लोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पैसेज, दिस इज द पैसेज नंबर 2। देखिए कितना क्या है, प्रोबेबिलिटी, मेरा फेवरेट चैप्टर, आपका भी होगा, आपका तो नहीं होगा, बच्चों का फेवरेट नहीं होता ये, क्योंकि बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन उलझ जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ए इज ए सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट, ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ए सबसेट पी ऑफ ए इज चूजन एट रेंडम, अगर किसी सेट के अंदर 10 एलिमेंट है
तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 10, देयर विल बी इक्वल टू 1024, इतने सबसेट उसमें प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। ए इज ए सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट, ए सबसेट पी ऑफ ए इज चूजन, ठीक है ना, इसका कोई भी एक सबसेट हमने चूज किया एट रैंडम, एंड दिस सेट ए इज रिकंस्ट्रक्टेड, और ए को हमने क्या कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ पी, और पी के एलिमेंट को रिप्लेस करके उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अनोदर सबसेट क्यू ऑफ ए इज नाउ चूजन, ठीक है ना, उसमें से हमने कोई भी एक दूसरा सबसेट क्यू चूज किया, अब जो नया ए बना है ना उसमें से, देन दी प्रॉबिलिटी दैट, तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा है पी यूनियन क्यू बराबर ए, अगर पी और क्यू का यूनियन अगर ए के बराबर हो तो देखिए क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारा जो एलिमेंट ए वन है जो नए ए के अंदर है, देखिए या तो वो पी में हो सकता है और या ए वन आपका क्यू में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है और क्यू में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ए वन जो एलिमेंट है वो पी में हो जाए और ए वन आपका क्यू में ना हो, ऐसा हो सकता है बच्चों ए वन जो है वो पी में ना हो और ए आई, ए वन ए आई कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना, ए आई ले लीजिए, ए वन ही क्यों लिया हमने, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट हो सकता है और वो आपका क्यू में हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका पी में भी ना हो और वो एलिमेंट आपका क्यू में भी ना हो, ठीक है। ऐसी हमारे पास में चार चॉइस बन सकती है, ठीक है, और टोटल हमारे पास में कितने थे, 10 एलिमेंट, तो टोटल फेवरेबल आउटकम तो कितने हो जाएंगे, पहले वाले एलिमेंट्स के भी चार तरीके, वो चारों में से कोई से भी केस में हो सकता है, दूसरे में भी चार, तो टोटल हो जाएंगे 4 की पावर 10, ठीक है। पी यूनियन क्यू ए के बराबर कब होगा, जब आपका एलिमेंट इन तीनों में से किसी भी एक केस में हो जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर पी और क्यू दोनों में आ गया तो भी वो यूनियन में आ जाएगा, पी में आ गया क्यू में नहीं आया तो भी यूनियन में आ जाएगा, और क्यू में आ गया पी में नहीं आएगा तो भी यूनियन, अगर दोनों में ही नहीं होगा तो फिर आपका फेवरेबल नहीं आएगा, फिर पी यूनियन क्यू में नहीं आएगा। तो तीन केस, तीन में आ सकता है, इन तीनों में जा सकता है आपका पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तो ऐसे आपके पास में टोटल 3 × 3 10 बार हो सकता है, 3 की पावर 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें पी एंड क्यू हैव नो कॉमन एलिमेंट, दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए, इसके भी देखिए बच्चों तीन केस हो सकते हैं, इन तीनों केस के अंदर आपके पास में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। कैसे देखो, टोटल वही होगा आपका 4 की पावर 10, ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखिए अगर आपका एलिमेंट इसमें आ गया और इसमें नहीं आया तो दोनों के अंदर क्या हो गया, कॉमन नहीं बचा एलिमेंट, क्योंकि इसमें तो है प्रेजेंट बट इसमें प्रेजेंट नहीं है, ऐसे इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्यू में है, पी में नहीं है तो भी कॉमन नहीं होगा, और दोनों में ही नहीं है तो फिर कॉमन कहां से आएगा, तो फिर से तीन केस होंगे, सो 3 की पावर 10, तो इसके अंदर भी आपके पास में 3/4 की पावर 10, इसका आंसर भी 3/4 की पावर 10, तो आपके थर्ड, इसमें थर्ड ऑप्शन और इसमें सेकंड ऑप्शन दोनों का सेम आंसर है, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चले आगे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुके हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अंदर देखिए फिर से एक पैसेज है हमारे मैट्रिक्स से रिलेटेड, और इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये जो कंडीशंस दी गई है इनको देखते हैं। तो देखो बच्चों ये कंडीशन को देखते हैं क्या है यहाँ से, क्योंकि हमें शायद उसमें इसकी ज़रूरत पड़े, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस मैट्रिक्स को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, कौन सा, प्री मल्टीप्लीकेशन, सो ए इंटू ए इनवर्स बन जाएगा आई इंटू बी स्क्वायर, इधर से a से मल्टीप्लाई किया, सो प्लस के अंदर a इंटू ए ए स्क्वायर इंटू बी बराबर नल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर से देखो बच्चों, हमने पोस्ट b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, किससे, b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, i इंटू बी इंटू बी लिख दिया इसको, तो ये बनेगा b इंटू बी इनवर्स अगेन i, तो बी आई प्लस ए स्क्वायर बी इंटू बी इनवर्स कितना हो गया बच्चों, आई, और जीरो नल मैट्रिक्स के साथ में किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो नल आएगा, तो यहाँ से देखिए बच्चों एक रिलेशन मिला हमें, बी प्लस ए स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिससे हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे,
a की पावर 6 माइनस 2 टाइम a की पावर 4 इंटू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी को बच्चों क्या लिख सकते हैं वहां से, माइनस ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नल माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगेन बी को क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर, तो यह बी इंटू बी, सो माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर। और इसका बच्चों हमें क्या करना है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, a की पावर 6 प्लस 2 टाइम a की पावर 6 प्लस a की पावर 6 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा बच्चों, 4 टाइम a की पावर 6 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। देखो a का ऑर्डर क्या है बच्चों, 3, ठीक है ना, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 4 जब बाहर आएगा तो आएगा 4 की पावर 3, और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 6। और डिटर्मिनेंट ऑफ a दे रखा है हमें 5, तो ये बनेगा बच्चों 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6, जिसको क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, 2 इंटू 5 10 टू दी पावर 6। और ऐसा ऑप्शन हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आप इस वाले रिलेशन को ध्यान में रखिए, बाकी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ ताकि हमारा बोर्ड दोबारा हम यूज कर सके। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, b इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर था हमारे पास, b बराबर कितना था, माइनस ए स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर बाहर आ जाता है डिटर्मिनेंट से, माइनस एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n माइनस 1। देखिए अगर a का ऑर्डर 3 है और मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम ए बी, ठीक है, तो उसका ऑर्डर भी कितना होगा बच्चों, 3 क्रॉस 3, तो 3 माइनस कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ b। ये किसके बराबर है इसको चेक करना है। देखिए आगे बात करते हैं, ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ a कितना था, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर, अच्छा b कितना था, माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए स्क्वायर क्या कर दिया इसने, प्लस। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b बराबर क्या होगा हमारे पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ b बराबर होगा माइनस का ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला होता है n माइनस 2, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ a में क्या होता है, माइनस 1, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ b ही आएगा। देखिए कितना आएगा, देखिए इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो देखिए पहले डिटर्मिनेंट का माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस साइन बाहर आएगा तो क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 3 के साथ। तो बच्चों देखिए स्क्वायर को देख के माइनस को नहीं हटाना है, ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट से माइनस साइन बाहर आता है तो उसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑड है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर जो कितना है आपका 25, तो इसका मान आएगा माइनस 25। यहाँ पुट किया तो ये कितना हो गया बच्चों, 25 ए स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा, और आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है चले आगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और ये है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स वापिस वैसे 11वां क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन। देखिए डबल वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है और हमें देखना है कि x और y के अंदर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पर इसको पुट कीजिए और चेक कीजिए कि y की वैल्यू क्या आ रही है। तो पहले केस में देखते हैं, 1/2 पुट किया cos इनवर्स के अंदर, मीन्स cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है बच्चों, 60 डिग्री पे पाई पाई 3, माइनस साइन के अंदर 1/2 पुट किया कब होता है बच्चों, 30 डिग्री पे माइनस का पाई पाई 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा पाई अपॉन 6। तो x का मान 1/2 पुट करने से y का मान पाई अपॉन 6 आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं सेकेंड के अंदर, x का मान -1/2 कब होता है cos थीटा में, 120 डिग्री पे, चलिए डिग्री में लिखते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। साइन का मान
माइनस वन बाई टू पर कितना होता है बच्चों, माइनस थर्टी डिग्री, कितना होता है माइनस थर्टी डिग्री, सो माइनस माइनस प्लस थर्टी डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ये इसके बराबर है, कन्वर्ट करके चेक कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन भी सही है। आगे बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन रूट थ्री बाई टू कॉस के अंदर होता है 30 डिग्री पे, और रूट थ्री बाई टू साइन के अंदर होता है 60 डिग्री पे, सो 30 माइनस 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू माइनस 30 डिग्री, और माइनस 30 डिग्री मीन्स माइनस पाई पाई सिक्स, यहाँ पर भी आपको यही दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। आगे बात करते हैं माइनस रूट थ्री बाई टू पे, कॉस के अंदर माइनस रूट थ्री बाई टू होता है बच्चों 150 डिग्री पे, और साइन के अंदर माइनस रूट तीन बटे दो होता है माइनस 60 डिग्री पे, तो माइनस माइनस अगेन प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हो गया 210 डिग्री जो कि इसके बराबर है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया सही हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर चारों ऑप्शन क्या है हमारे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमें लिमिट निकालनी है पहले तो एफ की जीरो पॉजिटिव और जीरो नेगेटिव पर। तो देखिए जीरो पॉजिटिव पर कैसे निकालते हैं, जब भी आपके पास में रेसिप्रोकल वाली टर्म आती है ठीक है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पर, तो जीरो नेगेटिव जब पुट करोगे तो बच्चों ये आएगा वन प्लस वन इंटू ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कितना हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस जीरो, इसका मान आ जाएगा वन, तो एफ जीरो नेगेटिव पे वन होगा, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जीरो पॉजिटिव के लिए पहले इसको नेगेटिव बनाएंगे, और इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसको किया माइनस से मल्टीप्लाई ए टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, अब इसमें जीरो पॉजिटिव पुट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, जीरो डिवाइड बाई जीरो प्लस वन कितना आएगा बच्चों जीरो, तो ये आंसर भी हमारा सही है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं f डैश के बारे में, तो f डैश को करने के लिए इसको मिटा देते हैं पहले, फिर आते हैं दोबारा। ठीक है, तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही था दोनों, ठीक है ये भी सही था ये भी सही था। लिमिट निकालने के लिए डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव वाला, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जीरो पॉजिटिव की बात करें पहले तो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ठीक है जीरो प्लस एक्स रख सकते हो आप या एच रख सकते हो, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एच, ठीक है ना, जीरो पॉजिटिव पर माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो डिवाइड बाई एच, ठीक है यही होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो होगा तो इसका आंसर कितना आएगा। देखिए बच्चों जीरो पॉजिटिव पर इसका आंसर कितना आएगा, तो जीरो पॉजिटिव पर ये बन रहा है आपका, ये जो अपॉन में h है इसको अगर हम ऊपर ले जाएं ठीक है, या यहाँ पर ये वन अपॉन h है, तो ये भी अगर हम वन अपॉन h के फॉर्मेट में देखें तो ये ऊपर आ जाएगा, और ये बन जाएगा वन बाई h डिवाइड बाई वन प्लस e टू दी पावर वन अपॉन h, ठीक है ये कितना आ जाएगा, हमने x की जगह पे पुट करना था जीरो प्लस एच, तो आपके सामने बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। ठीक है, वन अपॉन एच को आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो बच्चों आप सबने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल टर्म हमेशा लीनियर से कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म छोटी होगी और नीचे वाली टर्म आपके पास में कैसी होगी, बड़ी, तो एक छोटा नंबर डिवाइड बाई बड़ा नंबर हमेशा कितना होता है बच्चों जीरो, तो पहला आंसर भी आपका क्या होगा सही होगा। बात करते हैं एफ डैश ऑफ जीरो नेगेटिव की, एफ डैश ऑफ जीरो नेगेटिव होगा बच्चों वन प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाई एच डिवाइड बाई माइनस एच, ठीक है इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर वन अपॉन एच डिवाइड बाई वन अपॉन एच, और साथ में यहाँ पर आएगा प्लस वन इंटू वन अपॉन एच। ठीक है, इस बार क्या होगा बच्चों, इस बार ये अनडिफाइंड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि इस बार ये टर्म आपके पास में कहां पर है, नीचे है, ठीक है, और e टू दी पावर माइनस वन अपॉन एच है, ठीक है, तो ये वाली टर्म आपके पास में नीचे आ गई, ठीक है, तो और क्योंकि वो ये टर्म तो आपके पास में कितनी बन जाएगी, वन बन जाएगी, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास में वो कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो ये आंसर आपका क्या हो गया बच्चों गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर देखिए आपके बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन के अंदर कोई कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट्स में
क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पास होना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों में आपको अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे तभी आप पास होंगे, नहीं तो हो सकते हो आप, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो लेकिन रैंक अच्छी नहीं आएगी। रैंक तभी अच्छी आएगी जब सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। तो सब में जब आप पास करोगे तभी पास होगे। तो नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन फेल, कितने तरीके से फेल हो सकता है, देखो चार में से एक सब्जेक्ट को उसने सिलेक्ट कर लिया और उसमें फेल हो गया तो वो फेल हो गया, ठीक है। चार में से दो को सिलेक्ट किया और उन दोनों में फेल हो गया तो भी फेल हो जाएगा, और चार में से तीन को सिलेक्ट किया तो भी फेल हो जाएगा, और अगर चारों में ही फेल हो गया तब तो उसको भगवान भी पास नहीं कर सकता। तो ये उसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। अब बात करते हैं ये और किसके बराबर है, तो ये फॉर्मूला होगा आपका 2 की पावर 4 - 1 के बराबर, तो तीसरा ऑप्शन भी बच्चों आपका क्या हो जाएगा सही। तो तीसरा और चौथा सही है, पीएनसी का क्वेश्चन है, ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग ज्यादा चलाओ पेन कम चलाओ, आगे चलें बिल्कुल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारा, दो साइड है रोम्बस की ओ ए बी सी, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट अगर एरिया इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट है, y बराबर ये और ये है, देन द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज r। देखो बच्चों आपको रोम्बस का क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, ठीक है, रोम्बस का एरिया दे रखा है, तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों रोम्बस का एरिया, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं, पहले क्वाड्रेंट में इन दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग एक रोम्बस तो आपका इधर बन सकता है, ऐसा ही रोम्बस आपका तीसरे क्वाड्रेंट में बन सकता है, तो वो आंसर तो हमें सिमेट्रिसिटी से पता चल जाएगा। अच्छा बच्चों वैसे तो देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको बस हाँ एक चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका वाई बराबर एक्स पे लाई कर रहा है और वो भी वाई बराबर एक्स पे लाई कर रहा है और ये पॉइंट भी वाई बराबर एक्स पे, तो इसमें से आपके कोई भी दो आंसर सही होने हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो सही तो होना है कोई ना कोई, ठीक है। सिमेट्रिसिटी से अगर बात करें, ठीक है, तो इसका और इधर जो बी बनेगा, क्योंकि ओ ए बी सी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ठीक है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वो ओरिजिन आएगा, तो कौन से दो पॉइंट का मिड पॉइंट ओरिजिन आ रहा है, देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसका और इसका मिड पॉइंट देखो ओरिजिन नहीं आ रहा है, मतलब ये गलत ऑप्शन होगा बच्चों आपका। तो सही आंसर कौन सा होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं सॉल्व कैसे होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, देखो आपको इस ये लाइन दे रखी है y बराबर एक्स बटे रूट तीन, तो ये एंगल होगा बच्चों 30 डिग्री। दूसरी वाली लाइन दे रखी है y बराबर रूट तीन एक्स, तो पूरा एंगल होगा 60 डिग्री, तो बीच का एंगल होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 15 डिग्री का। रोम्बस है तो ये भी होगा बच्चों 15 डिग्री का, और ये 15 डिग्री का है तो ये कितना हो गया बच्चों 150 डिग्री का। आपको इसका एरिया दे रखा है, इसकी ये साइड ए होती है, ये साइड भी ए होती है, सारी साइड ही ए होती है। एक देखिए बच्चों कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बहुत अच्छा, ठीक है, अगर हम वो फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, और या इसके अंदर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएं, तो 1/2 a² क्या होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला, 1/2 a (a)(sin θ, साइन 150 डिग्री, दैट विल बी √3/2, और ये किसके बराबर है बच्चों 2 के बराबर ये है। तो आगे बात करते हैं, ये तो इस ट्राइंगल का एरिया है, टोटल एरिया आपका 2 के बराबर है, तो ये तो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का एरिया समान होता है। तो यहाँ से बच्चों ए स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 4/√3, ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा 2/√3, ठीक है ना, 2 बार रूट आ जाएगा, ए आ चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें ये लेंथ पता चल जाएगी, कैसे, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना, कॉस थीटा का फॉर्मूला हम सबको पता है, उससे आपको ये लेंथ आएगी, और ये लेंथ जब पता चल जाएगी तो आप पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, क्योंकि वाई बराबर एक्स पे लाई कर रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या से होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर लेना, ये और ये दोनों आंसर आपके आ जाएंगे, पहला और तीसरा ऑप्शन, ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए आपका इंटीजर टाइप का पहला क्वेश्चन, देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन -2 to 3, देखिए ये दो फंक्शन है, इनके -2 से 3 के बीच में आपको क्या करना है,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मीन्स ऑल ओवर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि कौन सा कौन सी होगी, ठीक है ना, कौन सा नहीं कौन सी होगी। करते हैं बात, चलिए करते हैं स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स बराबर वन पे इसका वर्टेक्स होगा और इसके रूट्स भी चाहो तो आप निकाल सकते हो। माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस थ्री, उसके रूट भी आप निकाल सकते हो। देखो बच्चों दोनों के रूट समान आएंगे, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन इसके रूट होंगे और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बन जाएगा, तो इसके रूट भी यही आएंगे एक्स प्लस वन। ठीक है, करके देख लीजिए, माइनस वन और थ्री इनके रूट्स है, माइनस वन और थ्री इसके रूट्स हैं, तो मीन्स दोनों का वर्टेक्स लाई करेगा वन पे। पहले वाले का ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसा, ठीक है, दूसरे वाले का ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसा। ठीक है, बन गए दोनों ग्राफ। हमें चाहिए माइनस दो से तीन के बीच में, तो तीन तो लाई करेगा यहीं पर और माइनस दो लाई करेगा बच्चों यहां पर। ठीक है, तो देखते हैं मैक्सिमम कहां पे आ रहा है, मैक्सिमम माइनस दो पे आ रहा है या एक पे आ रहा है। तो पहले वाले में माइनस दो पुट करो बच्चों, देखिए कितना आ रहा है, एफ ऑफ माइनस टू ये आएगा बच्चों चार प्लस चार माइनस तीन, चार प्लस चार आठ, आठ माइनस तीन आ गया बच्चों पांच। दूसरा बात करते हैं एफ ऑफ वन, क्योंकि तीन पे तो दिखाई दे रहा है नहीं होगा, होगा तो उधर ही होगा क्योंकि माइनस दो से तीन में निकालना हमें, एफ ऑफ वन और चेक कर लेते हैं। और वन पे आएगा बच्चों वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है, एफ ऑफ वन पे कितना आएगा वन माइनस टू माइनस थ्री, लेकिन वन पे इस पे नहीं, इस पे निकालना है दूसरे वाले पे। क्यों? क्योंकि इसका तो वन पे मान नीचे आएगा, इसका ऊपर आएगा, तो इसको चेक करो दूसरे वाले में, इस पे पुट मत करो, दूसरे वाले में पुट करेंगे तो आएगा देखो माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री, तीन दो पाँच माइनस एक कितना हो गया चार, और हमें मैक्सिमम चाहिए तो चार और पाँच में से बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों पाँच, तो हमारा सही आंसर भी क्या होगा पाँच। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी होगा किसी का तो फेवरेट होगा, मेरा नहीं है तो क्या आप में से तो होगा किसी का। चलिए बात करते हैं, एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी एट, एट के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो ये है एट आर। ठीक है, नीचे आते हैं, फाइव सिक्सटी फाइव थ्री ट्वेंटी फाइव, फाइव क्या लग रहा है टू के आसपास का, फोर के आसपास का नंबर, साथ में फाइव, फाइव और फोर का कुछ कनेक्शन, सिक्सटी फाइव, सिक्सटी फाइव को देखो फोर प्लस वन कुछ ऐसा ही लग रहा है, फोर प्लस वन सिक्सटी फोर, सिक्सटीन डिवाइड, एक बार लिख लो इसको, एट को रखो, सिक्सटीन डिवाइड बाई सिक्सटी फोर प्लस वन कुछ ऐसा ही लग रहा है मेरे को। देखो देखो ध्यान से देखो बच्चों, ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई थ्री ट्वेंटी फोर प्लस वन, और वैसे भी देखिए टू की पावर एटीन प्लस वन वहां पर लिखा गया है, तो कुछ तो वन का कनेक्शन होगा इसका। अब लिखते हैं देखो एट आर, यहाँ तो वन है लेकिन यहाँ सिक्सटी फोर, आर की वैल्यू टू पुट करने से, तो देखिए इसमें से फोर को अलग कर लें तो फोर आर की पावर चार प्लस एक, देखो तुक्का सही बैठ गया, कैसे आर वन पुट किया तो चार प्लस एक पांच, आर को दो पुट किया सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर प्लस वन, तीन पुट करो बच्चों एटी वन इंटू फोर तीन सौ चौबीस आएगा, तुक्का हो तो ऐसा हो। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करो, फोर आर की पावर फोर प्लस वन माइनस फोर आर स्क्वायर, या चाहो तो प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों एट आर डिवाइड बाई, ये बनेगा आपका टू आर की घात दो प्लस एक का स्क्वायर और माइनस टू आर का होल स्क्वायर, कितना आ गया एट आर बटे टू आर स्क्वायर प्लस वन माइनस टू आर और टू आर स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आर। ठीक है, ऊपर लिखो वापस, इसका डिफरेंस टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन और साथ में लिखा माइनस टू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन, बच्चों ऊपर बचा फोर आर, एट आर चाहिए तो एक दो को ले लो बाहर और डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन माइनस टू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन, आ गया सबको समझ में, पक्का आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं,
आगे क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो देखो दो तो बाहर रहेगा ही, पहली टर्म कट जाएगी तो बचेगा वन अपॉन टू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन, ठीक है। माइनस यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा टू आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन कट जाएगा, वन अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन। इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करनी है कहां से कहां तक, आर बराबर वन से लेकर के कहां तक पुट करनी है, ठीक है। ऊपर एट आर था बिल्कुल, तो एट आर था, देखो आर इक्वल टू वन पर एट आ रहा है तो कितना पुट करेंगे तब 128 आएगा, तो इसमें आर की वैल्यू 16 पुट करोगे ना तब ऐसा होगा, तो यहां पर आएगा 16, ठीक है। चलिए बात करते हैं 16, ताकि तभी देखिए वहां पर 2 की पावर 18 बनेगा, ठीक है ना। वहां पर आपके पास में 4 आया था पहले, तो 4 × 16 वो मिलके आपके पास में कितना आएगा 2 की पावर 18, ठीक है। तो इसमें पुट करो देखो कितना आ रहा है, 2 × 1 पुट करेंगे तो 2 − 2 कट जाएगा 1 − 1/5, ये पहली टर्म, प्लस 2 पुट करो बच्चों देखे कितना आ रहा है, 8 − 2 = 4, 8 और 1 = 9, 9 − 4 1/5, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। यहाँ जो भी टर्म आएगी देखो ये इससे कट गई तो ये आगे वाले से कट जाएगी, क्या बचा 2 × 1 यहाँ से पहली टर्म, तो यहाँ से जब 16 पुट करोगे तो आपके पास में टर्म आएगी 16। पुट करते हैं देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, यहाँ करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कुछ भी। 2 की पावर 2 × 2 की 16 का स्क्वायर 64 × 2 16 का स्क्वायर 2 की पावर 9 आएगा बच्चों यहाँ से, प्लस 2 × 16 पुट करेंगे तो 5 और साथ में आएगा बच्चों प्लस 1। इसको सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है, ऊपर आएगा देखो बच्चों 512 प्लस 32 प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, डिवाइड बाय 512 प्लस 32 प्लस 1 और साथ में कितना आएगा बच्चों 2। देखिए कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो, 512 प्लस 32 4, 3 और 1 = 4 और यहाँ पर 5, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आएगा 880। देखिए ऊपर बिल्कुल मैच खा गया हमारा आंसर, तो नीचे जो लिखा गया है 544 प्लस 1 545, और ये मेरा किसकी जगह पर लिखा गया है, ए की जगह पे, तो यही मेरा क्या है आंसर। क्यों, क्योंकि ऊपर 1088 आ चुका है और नीचे ए लिखा गया है, तो ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों 545, ये मेरा क्या होगा। अच्छा आपको ए का क्या पूछा गया है, ए का यूनिट डिजिट कौन सा होगा, तो यूनिट डिजिट बच्चों सिर्फ 5 होगा और आपका कौन सा ऑप्शन से क्या आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बोला गया है लेट अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन, ये इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, गामा माइनस 7 बराबर 0। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा है मेरे पास 7, तो ध्यान से देखिए कि ऐसा कहाँ आता है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट कहाँ पे आता है, वेक्टर के अंदर, और वेक्टर के अंदर कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी जो होता है आपका वो क्या होता है, वो लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ए इंटू मॉड बी। देखिए एक वेक्टर मान लिया हमने 3ik + 2jk + kk और दूसरा वेक्टर मान लिया हमने α ik + β jk + γ kk, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3α + 2β + γ। ये तो आपको करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि हमने इसको देख के ही ये दो वेक्टर यहाँ पर लिखे हैं, लेस देन और इक्वल टू, पहले वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा √14, ये कितना आएगा √14, और दूसरे वाले का मॉडुलस कितना आएगा √α² + β² + γ² इसका मान पुट कर दीजिए 7, स्क्वायरिंग कर दीजिए 49 विल बी लेस देन और इक्वल टू 14 × α² + β² + γ², ये 7 से कट जाएगा 2 बार और ये 7 बार, और यही पूछा है आपसे 2 × α² + β² + γ² विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, इसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी, तो इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, हमें ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है, पेयर बनाएंगे, देखते हैं यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन आएगा आपका 8 8i है, तो 8 और 12 में से कॉमन आएगा बच्चों 4। आई कॉमन नहीं आएगा, जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 4z2। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2i टाइम जेड, और साथ में यहाँ पर कितना बचेगा 3, और जेड हमारा कॉमन आ गया, सो 2iz+3। साथ में देखिए दूसरे वाले क्रम में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए आई हमें इसमें चाहिए, ठीक है, दूसरे वाली ट्रम के अंदर मेरे को आई नहीं चाहिए, जेड वाली ट्रम में अंदर आई रह सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको कैसे करेंगे, -18 और 27, ठीक है, तो दो तो बच जाएगा वहाँ पर, जेड भी बच जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो माइनस साइन है, ठीक है, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए, आयोटा स्क्वायर 18z, और साथ में यहाँ पर कितना है 27i, ठीक है। अब दोबारा देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं, 4z2 2iz+3, यहाँ से देखिए कितना कॉमन आएगा, अब कॉमन आ जाएगा यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, और एक i भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया 2iz+3, बन गया सेम फैक्टर, इसको बाहर निकालिए, बाहर निकालेंगे तो आएगा 4iz+3, और दूसरा फैक्टर कितना आएगा, दूसरा फैक्टर आएगा हमारा 4z2 प्लस 9i। चलिए बच्चों देखते हैं आगे इसका आंसर क्या आएगा, 4iz+3 इंटू दिस, देखिए इससे कितना आ रहा है, इससे आपको मिलेगा 4i, अच्छा यहाँ पर 2iz है, ठीक है ना, 2iz+3 = 0, और यहाँ से आएगा 4z2 प्लस 9i = 0। इसका मॉडुलस निकालते हैं, देखिए कितना आएगा, 4iz = -3, ठीक है 2iz, तो इसका मॉडुलस कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू मॉड z स्क्वायर, आई का मॉडुलस 1 हो जाएगा = 9, और यहाँ से भी अगर आप निकालेंगे तो 4z² = 9i का मॉडुलस कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो इसलिए आपका इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 09, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।